मालिक को धोखा देकर इलेक्ट्रॉनिक सामान गायब करने वाले ड्राइवर और उसके साथी को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पकड़े गए आरोपी के पास से लाखों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। देखिए, एक थाना टीपी नगर के अंतर्गत एक दुकान आती है अनुकूल एयरकॉन करके, तो इनका सामान नजीबाबाद डिलीवरी के लिए जाना था, जो कि एक छोटा हाथी से इन्होंने रखवा कर भिजवाया था। उसमें 6 AC 5 कूलर तथा अन्य सामान था। रास्ते में ड्राइवर के मन में कुछ बदनीयती आई और उसने उस सामान को गायब कर दिया और उस सामान को वो धीरे धीरे करके बेच रहा था। तो इस थाने एक मिनट अग्रवाल जी, तो इसकी सूचना जब थाना टीपी नगर पर दी गई तो जो मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से जब जानकारी दी गई तो ये पाया गया कि ये सामान और इसमें थानाध्यक्ष टीपी नगर और हस्तिनापुर दोनों लोगों ने आपस में तालमेल बिठाते हुए सीओ मवाना और सीओ ब्रह्मपुरी ने भी जब ये पता किया तो इस अभियुक्त की लोकेशन हस्तिनापुर में मिली। तो ये पाया गया कि इस अभियुक्त ने एक अपना सामान जो है अपनी एक बूढ़ी बुआ जो इसकी रहती है हस्तिनापुर थाना के अंतर्गत वहाँ पर उतारा था और वहाँ से इसका ये प्लान था कि धीरे धीरे करके ये बेच देगा। तो इसमें अभियुक्त की फिर तलाश की गई और इनमें दो अभियुक्तों को, जो कि एक ड्राइवर योगेंद्र है और एक अभियुक्त राजू जिसको कि इसने कुछ सामान बेचा था, मैं माल के इसमें गिरफ्तार किया गया और जो छोटा हाथी इस घटना में प्रयुक्त हुआ है वो भी बरामद किया गया है। इनका अभी आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है लेकिन अभी ऐसा कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया। छोटा हाथी ट्रांसपोर्ट वालों का।